दोस्तों मुंबई से बड़ी खबर है, मुंबई से हैरानी भरी खबर है और संजय राउत को लेकर ये खबर है क्योंकि संजय राउत को लग गया है सबसे बड़ा महाचटका। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है क्योंकि अब तो राउत की बेल फंस गई है, अटक गई है। 9 नवंबर से पहले बड़ा एक्शन यहाँ पर हो गया है और इस बार किसी और ने नहीं बल्कि जेल की अथॉरिटी ने ही संजय राउत की लंका लगा दी है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अब कोई भी ताकत, जी हाँ कोई भी ताकत संजय राउत को बचा नहीं सकती। तो क्या हुआ मुंबई में अचानक, क्या हुआ आर्थर रोड जेल के अंदर, कैसे मच गई खलबली, सब कुछ आपको दिखाते हैं बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें कि अब संजय राउत का क्या होगा और ये कितना बड़ा झटका है उनके लिए, कमेंट जरूर करें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो मुंबई से संजय राउत को महाझटका लगने की खबर है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है क्योंकि इस बार जेल अथॉरिटी ने ही राउत का खेल खत्म किया है। तो सीधे सीधे आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। तो सुबह सुबह मुंबई से बड़ी खबर आई है कि जेल अथॉरिटी संजय राउत के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि जेल में ऐसा कुछ हुआ है जिसे लेकर जेल अथॉरिटी कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वकील से बात कर ली गई है, यहाँ तक कि कोर्ट में दी जाने वाली एप्लीकेशन तक बना दी जा चुकी है। आगे देखिए, जेल सूत्रों के ही हवाले से खबर है कि मामला संजय राउत के बिहेव को लेकर है, संजय राउत की हरकतों को लेकर है और राउत के साथ हुए एक खास इंसिडेंट को लेकर है। और जेल सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते के दौरान ये घटना जेल के अंदर हुई। जेल सूत्रों के ही मुताबिक संजय राउत का जेल के गार्ड्स के साथ कुछ विवाद हुआ था जिसमें बताया जा रहा है कि काफी गर्मा गर्मी का मामला बढ़ गया था और काफी देर तक ये विवाद हुआ था। अब सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि संजय राउत खुद को चेकअप के लिए मेडिकल रूम में फिर अस्पताल ले जाने की बात कर रहे थे और सूत्रों के मुताबिक गार्ड्स ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि बिना परमिशन के वो ऐसा कर नहीं सकते थे और इसीलिए जेल के गार्ड्स ने, जेल कर्मियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। और यही नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसके बाद संजय राउत ने जेल के जेलर को बुलाने की भी बात कही थी लेकिन जेल के गार्ड्स ने इसके लिए भी इनकार कर दिया, मना कर दिया, जिसके बाद खासा विवाद हुआ था। जेल सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक वहां पर काफी देर तक बहस हुई थी, काफी देर तक तनातनी रही थी और राउत ने गुस्से में बहुत कुछ कहा भी था और उसी के बाद से जेल प्रशासन इसे लेकर प्लानिंग कर रहा है, कोर्ट जाने की प्लानिंग कर रहा है, संजय राउत को लेकर प्लानिंग कर रहा है। अब सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि जेल प्रशासन इसी मामले को लेकर, संजय राउत की शिकायत को लेकर, राउत के बिहेवियर की शिकायत को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर चुका है और इसके लिए एप्लीकेशन कोर्ट में दी जा सकती है। अब कहानी यह है कि संजय राउत के खिलाफ, राउत के गंदे बर्ताव के खिलाफ जेल अथॉरिटी तैयारी कर चुकी है और ये सब कुछ हो रहा है ठीक बेल वाले फैसले यानी कि 9 नवंबर जो कि फैसला आना है संजय राउत की बेल पर, उससे ठीक पहले। अब इसका असर ये होगा कि अगर संजय राउत को 9 नवंबर को कुछ राहत मिलने भी वाली है, कुछ अगर अच्छा होने भी वाला है तो वो भी अटक जाएगा, फंस जाएगा, क्योंकि कोर्ट जब भी किसी आरोपी को बेल देती है तो वो सब कुछ देखती है, केस की मेरिट, आरोपी का हिसाब किताब, आरोपी का बिहेवियर और जेल में उसका बर्ताव, ये सब कुछ देखा जाता है बेल मिलने से पहले। और यहाँ पर तो जेल प्रशासन ही संजय राउत के खिलाफ खड़ा होता हुआ दिख रहा है जिससे कि राउत की पूरी तरह से लंका लगनी तय दिख रही है, यानी कि अब बेल फंस गई है संजय राउत की। अब तो कह ये सकते हैं कि कोई भी ताकत संजय राउत को राहत दिला नहीं सकती, बेल दिला नहीं सकती, क्योंकि संजय राउत ने खुद अपने पैरों में मार दी है बहुत बड़ी वाली कुल्हाड़ी। तो आपका क्या मानना है दोस्तों, कितना बड़ा झटका है ये संजय राउत के लिए और आगे कितनी मुश्किल होगी, कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत के हालात खराब थे, खराब हैं और आगे भी कब सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे कहा नहीं जा सकता, लेकिन संजय राउत को लगता है कि उनके दिन तो आ गए, आ क्या गए, अब उनका ही वक्त शुरू होने वाला है। यहाँ तक कि लगने लगा है कि अब उन्हें जेल से छुट्टी हर हालत में मिलने वाली है, जमानत मिलने वाली है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ संजय राउत दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और सुबह सुबह जेल में इसे लेकर बहुत कुछ हो गया। जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि मुंबई के आर्थर रोड जेल में शुक्रवार की सुबह सुबह संजय राउत के वकील उनसे मिलने पहुंचे और तय समय के लिए संजय राउत को भी जेल की सेल से बाहर लाया गया, मुलाकात करवाई गई। अब वहां पर क्या हुआ वो भी देखिए और समझिए। तो जेल सूत्रों के मुताबिक सिर्फ संजय राउत के परिवार को और वकील को ही उनसे मिलने की परमिशन है, इसीलिए वकील को उनसे मिलने दिया गया और मीटिंग रूम में दोनों की मुलाकात हुई। अब जेल का मैनुअल कहता है कि करीब 15 मिनट तक ये मुलाकात हो सकती है और स्पेशल परमिशन पर कुछ देर तक और ये बातचीत बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ देर नहीं बल्कि काफी देर तक बातचीत होती रही।
हालांकि इससे पहले भी जब भी कोई संजय राउत से मिलने आया तो राउत ने हमेशा ही ज्यादा वक्त लिया, तय समय से ज्यादा देर तक मुलाकात की बात की, मगर इस बार ये वक्त कहीं ज्यादा हो गया था। इतना ज्यादा कि बंदी रक्षक को जेल कर्मी को रोकना पड़ा, टोकना पड़ा। जी हाँ, जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जेल कर्मी ने संजय राउत को वकील को रोक दिया, टोक दिया कि आपका समय अब खत्म हो गया है, मुलाकात को खत्म कीजिए और आप भी अपने घर जाइए और संजय राउत आप भी जेल के अंदर सेल के अंदर चलिए। अब जेल सूत्रों के मुताबिक इतना कहना था कि वहां पर मामला गर्म हो गया, माहौल खराब होने लगा। जी हाँ, संजय राउत जेल कर्मी पर भड़क गए। जेल सूत्रों के मुताबिक राउत काफी ज्यादा गुस्से हो गए, कहने लगे कि वो कुछ जरूरी बात कर रहे हैं और कानूनी मसले पर बात कर रहे हैं और क्या उन्हें कानून की मदद लेने का भी हक नहीं है। तो इस पर जेल कर्मी की तरफ से भी जवाब दिया गया कि आपको कानून की मदद लेने के लिए कोई नहीं रोक रहा है, आपको कानून की मदद मिलने का ही मौका दिया जा रहा है और काफी देर से आप बात भी कर रहे हैं और ये बातचीत काफी लंबी हो चुकी है, तय समय से काफी ज्यादा वक्त हो चुका है और इसीलिए इसे अभी के अभी खत्म करें। अब हालात ये थे कि संजय राउत कहाँ थमने वाले थे। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक सुबह सुबह यहाँ बवाल हो रहा था, हंगामा हो रहा था। संजय राउत काफी गुस्से में थे और गुस्से में कांपने लगे, चिल्लाने लगे और पास में मौजूद वकील ने वहां पर संजय राउत को संभाला। अब यहाँ पर हालात काफी टेंस थे। संजय राउत को पानी दिया गया, मामला शांत कराने की कोशिश की गई और कुछ देर वकील और संजय राउत की बात हुई और उसके बाद खुद वकील ही वहां से चले गए और संजय राउत को भी अंदर जाने को कहा। अब संजय राउत के वकील तो वहां से निकल गए लेकिन राउत की नाराजगी कम नहीं हुई। संजय राउत गुस्से में पैर पटकते हुए अंदर की तरफ गए और इस दौरान बड़बड़ाते भी रहे और जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत बड़बड़ाते दिखे कि मैं अब जेल में नहीं रहूंगा, कुछ भी कर लो, जेल में मेरा रहना अब खत्म हो गया है, मेरा वक्त जेल में अब खत्म हो गया है और मैं अब जेल से बाहर जाऊंगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ बड़बड़ाते हुए निकले, ऐसा जेल सूत्रों का कहना है। वहीं जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे कि जैसे उनकी जमानत पक्की हो गई हो, फैसला ही आ गया हो, बस उन्हें जेल से बाहर जाना ही हो। ओवर कॉन्फिडेंस में संजय राउत एक बार फिर से घमंड दिखाने लगे जो कि पहले भी दिखाते थे और उसी घमंड के नशे में चूर होकर जेल कर्मी से लड़ गए, भिड़ गए और गुस्सा होकर चिल्लाने तक लगे। हालांकि वहां पर भी संजय राउत को हद में रहने की नसीहत दी गई और तुरंत ही अंदर लाकर जेल की सेल में पटक दिया गया। तो कुल मिलाकर संजय राउत तो ओवर कॉन्फिडेंट है कि उन्हें जमानत मिल गई है, 9 नवंबर को उनके हक में फैसला आएगा और वो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उनकी जमानत बेहद ही मुश्किल है, लंबे वक्त तक उन्हें जेल में सड़ना पड़ सकता है क्योंकि हालात उनके पक्ष में नहीं बल्कि पूरे पूरे उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो भोपू संजय राउत का भी कुछ यही हाल है दोस्तों। इतनी बार मुंह की खाने के बाद भी बेचारे रिहाई के सपने देख रहे हैं जो धरे के धरे रह जाने वाले हैं।